हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, ये ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक तो फर्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट और एक सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर नंबर थर्ड और नाम क्या है? संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? रेशों के बारे में पढ़ना है और प्लास्टिक के बारे में। मतलब चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो रेशे और एक प्लास्टिक। लेकिन रेशो से पहले एक वर्ड लगा हुआ है, संश्लेषित। और संश्लेषित का मतलब होता है जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं वो, ह्यूमन मेड। मानव द्वारा बनाए गए रेशों को क्या बोला जाता है? संश्लेषित रेशे। जैसे प्राकृतिक रेशों की बात करें तो प्राकृतिक रेशे तो हमें पेड़ पौधों से भी मिलते हैं और हमें जानवरों से मिलते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? कपास मिलता है, जूट मिलता है। जानवरों से क्या मिलता है? जानवरों से हमें ऊन मिलती है, रेशम मिलती है। लेकिन ये प्राकृतिक रेशे तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, अब वो वाला टॉपिक नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना है? संश्लेषित रेशे। तो सबसे पहले परिभाषा। मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित रेशों को, मानव द्वारा निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर मतलब संश्लेषित रेशे बनते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं? ये एक केमिकल से तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्रियों के अंदर केमिकलों को गला कर ये रेशे तैयार किए जाते हैं। मतलब टोटल कार्बनिक रेशे होते हैं, ठीक है? तो केमिकल से तैयार हो रहे हैं। होता क्या है, कार्बन की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर ये रेशे तैयार करती हैं। मतलब आप एक संश्लेषित रेशे को उठाओगे ना, तो वो संश्लेषित रेशा जो है वो छोटी छोटी कार्बन की इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। ये केमिकल से रिलेटेड है सारा, छोटी छोटी कार्बन की इकाइयों से मिलकर बना होता है। और कार्बन की इन छोटी इकाइयों को हम क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं, ठीक है? जब बहुत सारी एकलक इकाइयाँ मिल जाएगी तब क्या बन जाएगा? बहुलक। क्या बन जाएगा? बहुलक। आप पढ़ते हुए चलो, समझ में आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पहले इस बहुलक को पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया हमारा? बहुलक, पॉलीमर। देखो, बहुलक कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बहुलक भी एक रेशा ही है। अब देखो, मैं इसको तोड़ के समझाता हूँ आपको। रेशा किससे बना है? बहुलक से। और बहुलक किससे बनी है? एकलक क्या है? कार्बन है। कार्बन को आप केमिकल समझ सकते हो। देखो, कार्बन अगर बहुत सारे कार्बन मिलेंगे तो छोटी इकाई बनेगी एकलक। और कार्बन की जब बहुत सारी लड़ियाँ, कार्बन की सब बहुत सारी इकाइयाँ मिल जाएगी तब क्या बनेगा? बहुलक। और इसी से क्या तैयार होगा? रेशा तैयार होगा। तो रेशे को आप पॉलीमर या बहुलक कह सकते हो। तो देखो, बहुलक को क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब इसको दो वर्ड में हम तोड़े, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई। आई बात समझ में? अनेक मतलब एकलक की बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमर। और उसी पॉलीमर से क्या तैयार किया जाता है? रेशा तैयार किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ कि एक एग्जांपल लूँ, माला आप लोगों ने देखी होगी, मोती की माला। तो माला होती है ना, मोतियों की माला। तो जैसे मान लो उसमें एक मोती, दो मोती, तीन मोती, चार, ऐसे बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं। तो ये मोती मिलकर क्या तैयार कर रहे हैं? माला। तो अगर इन सभी मोतियों को एक साथ देखा जाए तब तो इनको बोलेंगे बहुलक। क्या बोलेंगे? और एक मोती को क्या बोलेंगे हम? एक मोती को बोलेंगे एकलक। ऐसा ही रेशों के साथ होता है। मान लो ये कोई रेशा है, ये क्या है? कोई रेशा है। मैंने इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया, ये अब इन एक टुकड़े को उठाओ आप, एक टुकड़े को, ये कार्बन की इकाई,
ये दूसरे कार्बन की इकाई, ये तीसरे कार्बन की इकाई, ये चौथे कार्बन की इकाई, तो इस एक इकाई को तो क्या बोला, एक लक। और ऐसी जब सारी इकाइयाँ मिल जाएगी तो कहलाएगी बहुलक, और बहुलक की क्या होता है, रेशा होता है। ठीक है, तो ये मैंने मतलब समझा दिया है रेशे का। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संश्लेषित रेशो के प्रकार। तो बहुत सारे संश्लेषित रेशे हैं, जैसे रेयोन है, नाइलॉन है, ओरलॉन है, डेकेरोन है, टेफ्लॉन है, ये सारे हमें, सॉरी टेफ्लॉन नहीं है, वो प्लास्टिक का टाइप। तो सबसे पहले जो हमें संश्लेषित रेशा पढ़ना है वो है रेयोन। क्या पढ़ रहे हैं हम, रेशा। और संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, वह रेशे जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं संश्लेषित रेशे। अब सुन लो ध्यान से, प्रत्येक रेशे के लिए आपको तीन चीज पढ़नी है। पहले ही तो वो रेशा कैसे बनाया जाता है, मेकिंग मेथड, बनाने की विधि। दूसरा, उस रेशे के गुणधर्म। तीसरा, उस रेशे के उपयोग हर रेशे के लिए। और आपको चार रेशे पढ़ने हैं। पहला रेशा मैंने डाल दिया, कौन सा, रेयोन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है, देखो रेयोन कैसे तैयार किया जाता है। रेयोन बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो मैं बता दूं, सेल्यूलोस प्लस कास्टिक सोडा प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। जब ये तीनों चीज मिलेंगी तब बनेगा एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसको हम कहते हैं विस्कोस। जिसको क्या कहते हैं, विस्कोस। देखो सेल्युलोस, सेल्युलोस क्या होता है, पेड़ पौधों की जो छाल होती है, पेड़ की जो तना होता है ना, तना पेड़ का, उस तने की छाल को उतारो आप छील छील के, वो जो छाल है ना, छाल पेड़ की कोशिका की सबसे बाहर वाली परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। पढ़ा है कभी, कोशिका भित्ति। और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्युलोस की बनी होती है। तो करना क्या होता है, पेड़ों के तनों से छालों को उतार लेते हैं और उन छालों को पानी के अंदर गला देते हैं। गलाने से उसकी क्या बन जाती है, लुगदी। और वही लुगदी क्या कहलाती है, सेल्युलोस। वो छाल सेल्युलोस की बनी है। ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH, इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। अब ये कैसे बनाया जाता है, ये सोडियम क्लोराइड नमक के द्वारा तैयार किया जाता है, लैब के अंदर प्रयोगशाला में तैयार होता है। अब 10th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, अभी याद रखना, ये रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में पाए जाने वाला एक लवण है या यौगिक है। कार्बन डाइसल्फाइड, इसका सूत्र होता है CS2। कार्बन डाई का मतलब दो, एस का मतलब सल्फाइड। ये एक प्रकार की गैस है। देखो जो लुगदी हमने तैयार की थी पेड़ की छाल को लेकर, उसमें क्या मिला दिया, कास्टिक सोडा, और फिर उसमें एक गैस छोड़ी जाती है, कौन सी, CS2। ये जब तीनों मिक्स हो जाते हैं तो एक गाढ़ा पदार्थ बन जाता है, गाढ़ा मतलब शहद के जैसा। और उसी गाढ़े पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, विस्कोस। क्या बोलते हैं, विस्कोस। अभी तक रेयोन नहीं बना है, अभी क्या करना है, ये जो विस्कोस बना है ना, इस विस्कोस में सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से H2SO4 अम्ल डाला जाता है तो तुरंत क्या बन जाता है, रेयोन बन जाता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप ये है, विस्कोस प्लस सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, तब जाके बनेगा
देखो सुनना ध्यान से, आपने एक बर्तन लिया, सेल्युलोज डाला, कास्टिक सोडा डाला, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, ऐसे करने से शहद जैसा पदार्थ बना, विस्कोस। उसको तो अलग से रख लो, वो तो तैयार हो गया। अब क्या करना है, वो जो विस्कोस आपने अलग से भर रखा है उसमें आपको एक अम्ल डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी किस में मिल जाएगा, साइंस की लैब के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस अम्ल को ऐसे डाल दिया, नहीं, इस अम्ल को इंजेक्शन में भरना है। अम्ल को इंजेक्शन में भरोगे, मैंने कहा था ना कि इस विस्कोस में सूक्ष्म छिद्र, तो सूक्ष्म छिद्र तो इंजेक्शन का ही होता है। सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से उसमें क्या छोड़ा जाता है, अम्ल। मान लो एक बाल्टी में हमने विस्कोस भर लिया और दूसरे बर्तन से H2SO4 का इंजेक्शन भरा और उस इंजेक्शन को छोड़ दो उस बाल्टी के अंदर। जैसे ही H2SO4 इस विस्कोस में जाएगा, तुरंत उसमें से रेशे निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने से पूरे रेयन या पूरे रेयन के रेशे तैयार हो जाते हैं। तो देख लो, ऐसे तैयार किया जाता है रेयन का रेशा। ओके, बनाने की विधि हमने पढ़ ली, बनाने की विधि पढ़ ली। अब क्या करना है, उपयोग, सॉरी पहले गुणधर्म। देखो रेयन के रेशे के गुणधर्म ये है कि रेयन का रेशा मजबूत होता है, रेयन का रेशा मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है, प्रबल होता है और चमकदार। ठीक है, स्ट्रोंग है, इलास्टिक है, एलिजिबल है और उसमें ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। ये तो प्रॉपर्टी होगी किसकी, द फाइबर ऑफ रेयन। अब आपको क्या करना है, इसके उपयोग पढ़ना है, इसके उपयोग। तो रेयन के रेशे, जो रेयन का रेशा आपने तैयार किया है उसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है, तो सुनो ध्यान से। अगर रेयन को कपास के साथ मिलाया जाए तो चादर, बेड शीट या विभिन्न प्रकार की छोटी चादरें भी बनाई जा सकती है। और अगर रेयन को ऊन के साथ मिलाया जाए तो क्या बनती है, गलीचा या कालीन, गलीचा या कालीन। तो देखो सबसे पहले ये रेयन का पूरा निचोड़ आ चुका है। सबसे पहले रेयन कैसे तैयार किया जाता है, सेल्युलोस, कास्टिक सोडा, कार्बन डाइसल्फाइड, विस्कोस बनाओ, विस्कोस में सूक्ष्म छिद्रों से सल्फ्यूरिक अम्ल छोड़ो, तब जाके क्या बनेगा, रेयन बनेगा। ठीक है, रेयन के गुणधर्म, रेयन का जो रेशा है काफ़ी मजबूत होता है, प्रत्यास्थ का मतलब एलिजिबल है, मतलब रबर की तरह, प्रबल है, अधिक दिनों तक चलने वाला है और चमकदार होता है। उपयोग क्या कर सकते हो, रेयन को अगर कपास के साथ मिलाते हो तो चादर या बेडशीट बनती है, और अगर रेयन को किसके साथ मिलाया जाए, ऊन के साथ, तो गलीचा या कालीन का निर्माण किया जा सकता है। तो एक रेशा तो तैयार हो गया, कौन सा, रेयन। इसके बाद जो नेक्स्ट रेशा है वो है नाइलॉन, तो वो भी पढ़ लेते हैं। नंबर टू, नाइलॉन 6-6। देखो सबसे पहले तो इसके नाम में ही बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है, जब आप इस नाम को तोड़ोगे ना, देखो NY, नाई का मतलब है न्यूयॉर्क, और LON इसका मतलब है लंदन, मतलब दो देश, एक तो न्यूयॉर्क और एक लंदन, इन दोनों देशों ने सबसे पहले नाइलॉन का रेशा तैयार किया था। और 6-6 का मतलब है कि नाइलॉन के रेशे में जो कच्ची सामग्री डाली जा रही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर आएंगे, जितने भी संश्लेषित रेशे होंगे, वो सब रॉ मटेरियल यानी कि केमिकल से तैयार किए जाएंगे। तो इस नाइलॉन के रेशे को तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क और लंदन ने जो सबसे पहले रॉ मटेरियल, जो केमिकल डाले थे, वो 6-6 कार्बन वाले थे। जो दो चीज़ें डाली जाएंगी, दो चीज़ों से क्या बना, नाइलॉन,
दोनों चीजों में कितने कितने कार्बन थे, छह छह, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या ऐड किया जाता है, सिक्स सिक्स। अब वो दो कौन से हैं, सुनो, सबसे पहले पढ़ोगे बनाने की विधि। देखो बनाने के लिए एक तो एडिपिक अम्ल और एक है हेक्सामेथिल डाई एमीन। दो चीजें हैं, एक तो एडिपिक एसिड और एक हेक्सामेथिल डाई एमीन। जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके बनेगा नाइलॉन, अब एडिपिक अम्ल है ना, ये भी कितने कार्बन वाला है, सिक्स कार्बन। हेक्सामेथिल ये भी कितने कार्बन वाला, सिक्स कार्बन। दोनों जो रिएक्टेंट है, दोनों जो क्रियाकारक है, जो कच्ची सामग्री है, दोनों छः कार्बन वाली है, तो छः छः, इसीलिए यहाँ पे क्या ऐड किया, छः छः। जैसे क्वेश्चन आया ना कि नायलोन का रेसा कैसे तैयार किया जाता है, तो आप आंसर लिखोगे कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन को मिक्स करके नायलोन का रेसा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इसके गुण देखो, नायलोन का जो रेसा है बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा प्रत्यास्थ, प्रबल है और चमकदार है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रत्यास्थ, रबड़ की तरह प्रबल है, अधिक टिकाऊ है और चमकने वाला है। इसके गुण सॉरी उपयोग, नायलॉन का रेशे का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक तो पैराशूट बनाने में, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, रस्सा बनाने के लिए, जुराब, ब्रश, इटीसी। देखो पैराशूट जानते हो, पैराशूट जो उड़ने वाला आता है, रस्सा पहाड़ों पर चढ़ने वाले के लिए जो मजबूत टिकाऊ रस्सा बनता है वो भी नायलॉन का बनता है, जुराब बनते हैं, और जो ब्रश आती है ना, ब्रश के आगे वाले जो टीथ होते हैं दांत, वो किससे बने होते हैं, नायलॉन से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नायलॉन से तैयार की जाती है। तो हमने दो टाइप के सिंथेटिक फाइबर पढ़े, एक तो रेयन और एक नायलॉन। अब जो भी संश्लेषित रेसे हैं वो हम पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।